मूंगफली, रेवड़ी, चिक्की, खजूर, अगर आप ठंड पर इनको खाएंगे, अगर आपको बलसाली रहना है पूरे ठंड भर, सर्दी शुरू हो गई और यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी चीजें, मूंगफली भी है यहाँ पे, ये आप देखोगे मूंगफली वाली गुड़ वाली पट्टी है, ठीक है, इसके साथ साथ ये तिल गुड़ वाली ये गजक जो आती है वो भी है, इसके साथ साथ ये इसको बोलते हैं कोटेमा वाली, ये जो है ये इसमें तिल को और गुड़ को ऐसे कूट के तिल को बनाया गया है, और यहाँ आप देख रहे हो खजूर है, इसके साथ साथ मूंगफली भी आप देखो ये अलग तरीके की मूंगफली है, यहाँ पे आप देखोगे ये अलग तरीके की है, ये अलग जगह से आई है, और ये वाली जो आप देखोगे ये बिल्कुल अलग जगह की मूंगफली है। तो इनको खाने का क्या सही तरीका हो सकता है जिससे आपको पूरी सर्दियों में बलशाली रहने में मदद मिले, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ये गुड़ वाली पट्टी है, आप देख रहे हो कई सारी चीजें है, इसमें गुड़ वाली भी है, चीनी वाली भी है, देखो ये देखो ये गुड़ वाली है, ये गुड़ वाली है, यहाँ पे ये देख रहे हो ये सब गुड़ वाली है, और ये गुड़ वाली अब क्यों ज्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि आपको गुड़ जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है, आप में इसमें विटामिन से, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें आयरन है, विटामिन B12 की कमी अगर आपको हो रही है, कमजोरी रहती है शारीरिक तौर पे, तो आपको गुड़ बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और इसके साथ मूंगफली के बारे में हम कई बार बोल चुके हैं, आपने गाना भी सुना था कच्चा बादाम बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि मूंगफली जो है वो गरीबों का बादाम कहा जाता है, तो आपको वो सारी ताकत जो बादाम से मिल रही है वो आप मूंगफली से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन है कि आप ये जो गुड़ और मूंगफली है इसकी ये पट्टी आप अगर खाओगे जल्दी खराब भी नहीं होती है और आपके शरीर को ताकत देगी। अब आप पूछ रहे होंगे कितना खा सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से खा सकते हो, 50 से 100 ग्राम भी रोज आप ले सकते हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको शुगर है, आपको अगर कुछ और समस्या है तो आप जरूर ध्यान से खाओ, हाँ, लेकिन ये वजन बढ़ा देगी अगर आप इसको खाने के बाद खाओगे। तो अगर आपको इसको खाना है अपनी डेली डाइट में ले लो, आप खाने से पहले खा लो और उसके बाद रात को जो है खाने को आप थोड़ा कम खाओ तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये अगर आप खाते हो डेली तो आपके शरीर में ताकत जरूर लेके आएगी। इसके साथ जैसे तिल है, तिल के अब लड्डू आप देखो यहाँ पे क्या है, तिल की ये रेवड़ियां हैं, ऐसी चिक्की हैं, और ये चीनी वाली है, तो चीनी वाली तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि तो चीनी के साथ क्या है ना, मैंने पहले ही आपको बताया कि चीनी जो सफेद चीजों में आती है जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, तो गुड़ वाली आप खाओ अच्छे से, बहुत अच्छी टेस्टी है। अब तिल का क्या फायदा है, तिल में देखिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैं पहले ही बताया कि हड्डियों को मजबूत करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो तिल आप जरूर लो, तिल वाली चाहे आप ये रेवड़ी खा लो, चाहे ये पट्टी खा लो, इनको बनाने का तरीका बस अलग हो सकता है, लेकिन इनके फायदे बहुत ज्यादा हैं आपके शरीर को, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, विटामिन मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए, और सबसे ज्यादा जो है नींद अगर अच्छी लानी है आपने तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। बस आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना, आपने ये नहीं है कि टेस्ट मुंह में लग गया तो आप खाते चले गए, जैसे मुंह में पानी आ जाता है जब इसके बारे में बात करें, तो आपने ये नहीं करना है, आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाओ, और इसके बाद जरूर ध्यान रखना पानी नहीं से पीना है, पानी अगर आपने तिल के बाद भी या मूंगफली की पट्टी के बाद भी या किसी भी गजक के बाद अगर पिया तो आपको नुकसान करेगा, तो आपने पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। अब इससे पहले हम और चीजें बात करें, मूंगफलियों के बारे में बात करें, ये यहाँ पे देख सकते हो आप खजूर है ये, इसके साथ साथ देखो ये कई तरीके की मूंगफली भी है, इनके बारे में भी बताऊंगा। देखिए जैसे ये वाली है, ये जो है ये आई हुई है पंजाब से, यहाँ आप देखोगे ना इसका साइज अलग है, ठीक है, और इसका देखो अंदर का जो दाना है वो भी काफी बड़ा है, ठीक है, इसी ठीक है, कौन सा मीठा है, देखिए इसमें ये इन तीनों में अंतर क्या, ये मूंगफली इतनी सारी है यहाँ पे क्या अंतर है इन तीनों में? ये तो अपने राजस्थान की है सर, ये राजस्थान की है, मीडियम दाना होता है खाने में, ये भी अच्छी मीठी है। अच्छा, और ये कहाँ की है? गुजरात की है ये सर, ये गुजरात की है, गुजरात की इतनी अच्छी रहती है, तो मीठी रहती है, तो इससे खांसी नहीं होती, गले को नहीं पकड़ती है, देखो ये गुजरात वाली है, आप देख सकते हो दाना कितना बढ़िया है, और ये राजस्थान वाली अगर हम तोड़ के देखें तो आप देखो ये पंजाब की थोड़ा दाना दिखने में अच्छा लगता है मोटा, पर जैसे हल्का थोड़ा, ये ठीक है, ये देखिए थोड़ा दाना, अब आप देखो गुजरात वाली जो है साइज में भी बड़ी है और अंदर दाना भी बड़ा है, राजस्थान वाली साइज में छोटी है दाना छोटा है, पंजाब वाली साइज में बड़ी है लेकिन दाना लगभग राजस्थान वाली के बराबर है, तो तीनों टेस्ट में अच्छी है, लेकिन गुजरात वालों में इन्होंने बताया कि ये ना गले को नहीं नुकसान करती है, तो आप ये तो जरूर ले सकते हो, और इनके इंग्रेडिएंट लगभग सबके बराबर ही है, हमने देखा चेक करके कोई किसी में कुछ खास ऐसा अंतर नहीं है, तो जो भी आपके घर के आसपास मिल रही है वो आप लो, आपको राजस्थान गुजरात या उसमें ना पड़ो, क्योंकि आपको क्या करना है अपनी सेहत को सुधारना है और अपने शरीर को बलशाली रखना है, तो ये आपके लिए अच्छी है। आप कितनी खा सकते हो, 100 ग्राम के आसपास डेली खा सकते हो, इसमें कई सारे ऐसे तत्व जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा करेंगे, तो मूंगफली तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसको डिनर से रिप्लेस भी कर सकते हो, अगर आपने डिनर से रिप्लेस कर दिया तो आपके खाने में जो ताकत आ जाएगी, आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी, आपको सर्दियों में जो सर्दियों की दिक्कत है वो नहीं आएंगी, सर्दी खांसी जुकाम से लड़ने में मदद मिलेगी, इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, और इसमें कई सारे दूसरे तत्व जो आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ यह खजूर है,
डेली अगर आप रात के खाने के बाद, मैं बताता हूँ कि एक से डेढ़ घंटे बाद खजूर का अगर दूध पीते हो तो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक वीडियो दिया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपकी नींद आने की दिक्कत को दूर करेगा। और कई बार लोग हमें मिलते हैं जिनको वीडियोज के थ्रू हम बताते हैं, बाद में वो आके हमें बताते हैं कि सर इससे हमें बड़ा फायदा हुआ। तो खजूर के बारे में हमने कई बार बताया, खजूर आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। करना क्या, दो खजूर लेने, एक गिलास दूध में डाल के उबाल के आप पी जाओ, उसमें चीनी नहीं डालनी है। मिल्क और मैग्नीशियम आपका तैयार हो गया, मैग्नीशियम लेवल बढ़ाएगा, विटामिन B12 B6 को ये बढ़ाएगा, विटामिन को बढ़ाएगा और आपको काफी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप जो चीजें देख रहे हो, इन चीजों को खा के अपनी सेहत को आप बढ़ा सकते हो, सेहत को अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे कई सारी चीजें आपके पास मार्केट में जो अवेलेबल है, इनको लेके आप अपना जो है फायदा उठा सकते हो। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। इन चीजों को सीखने के लिए और नेचुरोपैथी सीखने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।